राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ज्ञान विज्ञान और मनोरंजन से भरपूर ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला पुस्तक परिचय। दोस्तों, किसी लेखक ने कहा है, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। इसलिए पुस्तकों को पढ़ने का अर्थ है सच्चे मित्र बनाना। सच्चा मित्र वही जो सही मार्ग दिखलाए, सही ज्ञान दे। पुस्तकों के द्वारा सही ज्ञान और सही मार्ग दिखलाने के लिए हमने शुरू की है ये श्रृंखला पुस्तक परिचय। पुस्तक परिचय इस श्रृंखला के अंतर्गत हर कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराएंगे एक बहुत ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तक से। इस कार्यक्रम में जिस पुस्तक का परिचय हम आपसे करवा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा। नमस्कार दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सन 2009 में चार्ल्स डार्विन की 200वीं जयंती मनाई गई और सन 2009 में ही उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। और कौन थे ये चार्ल्स डार्विन? मेरा मतलब है इन्होंने किया क्या था? किया तो बहुत कुछ था, मगर संक्षेप में बता दूं कि ये वो चार्ल्स डार्विन हैं जिन्होंने पहली बार मानव के विकास के इतिहास को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। मतलब? यानी इवोल्यूशन की थ्योरी को इन्होंने ही पहली बार दुनिया के सामने रखा था। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उन्होंने ये बताया कि कुछ प्रजातियां प्रकृति में समाप्त हो जाती हैं और कुछ बची रह जाती हैं। इसका कारण ये है कि जो सबसे अधिक फिट होता है और प्रकृति के अनुकूल ढल जाता है वही बचता है। इसे उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। चार्ल्स डार्विन वही ना जिन्होंने एचएमएस बीगल नामक पानी के जहाज पर 5 वर्ष लंबी यात्रा की थी? बिल्कुल, उन्होंने वॉयज ऑफ बीगल नामक अपनी किताब में अपनी इस महान यात्रा का वर्णन भी किया है। अच्छा, और अगर उनके बारे में कुछ और जानना हो तो? वही मैं बताने जा रहा हूँ। एक पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा। जो एनसीईआरटी ने प्रकाशित की है। क्या है इसमें? चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा पुस्तक में दो अन्य पुस्तकों का भी समावेश है। पहली पुस्तक चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी और बाद में कुछ अंश उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने अपने पिता के बारे में लिखे हैं और अंत में चार्ल्स डार्विन के कुछ पत्र यानी विशेष पत्र हैं जो उन्होंने महत्वपूर्ण लोगों को लिखे थे। फिर तो इस पुस्तक से उनके जीवन के अनजान पहलुओं को जानने का मौका मिलता होगा। हाँ, देखो ये पुस्तक है यहाँ पर। चार्ल्स डार्विन कहते हैं, मैंने अपने बारे में जो कुछ लिखा है वो इस तरह लिखा है जैसे मैं नहीं बल्कि परलोक में मेरी आत्मा मेरे जीवन और मेरे कृत्यों को पलट कर देख रही हो और फिर लिख रही हो। लगता है चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा पढ़ने में बहुत मजेदार होगी। इसमें क्या शक है, बिल्कुल। वैसे कब लिखी उन्होंने ये? ये उन्होंने लिखी, यहाँ लिखा है, हाँ ये उन्होंने लिखी 3 अगस्त 1876 से। उन्होंने प्रतिदिन 1 घंटा लेखन किया। अब भूमिका में उनके पुत्र कहते हैं, ये संस्मरण उन्होंने अपने घर परिवार और अपने बच्चों के लिए लिखे थे
उनके मन में कतई यह विचार नहीं था कि कभी इन्हें प्रकाशित भी किया जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि अपनी समुद्री जहाज की यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन ने जो अपने संस्मरण लिखे वही बाद में प्रकाशित किए गए इस पुस्तक के रूप में। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है सूरज प्रकाश और केपी तिवारी ने। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन के बारे में भी कुछ लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल। चार्ल्स डार्विन ने 8 वर्ष की आयु के संस्मरण से अपनी बात शुरू की है, जैसे नई नई चीजें सीखने में, कविता में, विज्ञान में उन्हें बहुत मजा आता था। अच्छा। प्रकृति से उन्हें बहुत प्यार था। कीट यानी इंसेक्ट्स बटोरने में उन्हें बहुत ही मजा आता था। देखो ना, ये यहाँ पेज 7 पर वे क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं, मरे हुए कीट बटोरना मैंने इसलिए तय किया क्योंकि मेरी बहन ने बताया था कि महज संग्रह के लिए कीटों को मारना ठीक नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे थे वो। हाँ, यही नहीं, बड़े होकर भी वे कीटों के संग्रह के लिए नए नए तरीके खोजते थे। उन्होंने एक मजदूर रखा जो कूड़ा कचरा बटोर कर लाता था, और जानती हो उसी कूड़े कचरे से उन्हें दुर्लभ प्रजाति के कीट पतंग मिल जाते थे। अच्छा, कहाँ लिखा है ये? ये देखो, ये यहाँ पेज नंबर 21 में यहाँ ये लिखा है उन्होंने। अरे हाँ, यहाँ तो चित्र भी बना है। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ मुंह में डाल रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हुआ यूँ कि एक बार उन्हें 2 दुर्लभ कीट दिखाई दिए, तभी तीसरा भी दिख गया। तीनों को पकड़ने के लिए उन्होंने 1 कीट को मुंह में रख लिया, 2 को हाथों में पकड़ लिया। वो आगे कहते हैं, दुर्भाग्यवश उस कीट में से कोई तीखा तरल पदार्थ निकला जिससे मेरी जीभ जल गई और मैं थू थू कर उठा। कीट मुंह से बाहर गिरा और साथ ही तीसरा कीट भी हाथ ना आया। ये चित्र उसी घटना का है। कीट पतंगों में इतनी रुचि थी तभी वे विज्ञान का इतना अधिक अध्ययन कर सके। ये बात बिल्कुल ठीक है, पर एक रोचक बात बताऊं। ये देखो, यहाँ लिखा है कि प्राणी विज्ञान के उन्होंने इतने नीरस भाषण सुने कि उन्हें लगा ये लिखा है, मैं ताजिंदगी भूविज्ञान पर कोई किताब पढ़ने का प्रयास न करूं या फिर विज्ञान का अध्ययन ही ना करूं। ये मालूम है उन्होंने क्यों सोचा? क्योंकि प्राणी विज्ञान के जो भाषण थे वो बहुत ही नीरस थे उनके लिए। पर विज्ञान में उनकी रुचि देखकर सबको लगता तो होगा कि वो कोई बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक बनेंगे। अरे नहीं, चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा के पेज नंबर ये 10 में वो बताते हैं कि उन्हें उनके पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर मगर क्या? मगर ये कि एडिनबरा में 2 बार ऑपरेशन थिएटर गए और बहुत ही दर्दनाक ढंग से किए जा रहे 2 ऑपरेशन भी देखे। वो कहते हैं कि ऑपरेशन पूरा होने से पहले ही मैं बाहर निकल आया। इसके बाद मैं कभी भी ऑपरेशन कक्ष में गया ही नहीं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि उन दिनों क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल ऑपरेशन के दौरान किया ही नहीं जाता था, और यही कारण था कि ऑपरेशन बहुत ही दर्दनाक होता था, और उस दर्दनाक ऑपरेशन को देखकर उन्होंने ये विचार त्याग दिया कि वो डॉक्टर बनेंगे। ओहो, इसलिए वे डॉक्टर नहीं बने। लेकिन फिर भी उनकी विज्ञान में रुचि कम नहीं हुई। हाँ, ये बात तो है। हाँ, एक और रोचक बात बताऊं, वो कभी पादरी भी बनना चाहते थे। अच्छा। हाँ, वो लिखते हैं कि एक वक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके जैसा उन्नत ललाट तो 10 पादरियों को मिलाकर भी ना होगा। लेकिन आगे डार्विन कहते हैं, ये यहाँ उन्होंने लिखा है पेज 16 पर, कि मुझ पर रूढ़िवादियों ने हमले किए, इतने हमले किए तो ये बड़ा ही असंगत लगता है कि कभी मैं ये भी सोचता था कि मैं पादरी बन जाऊं। लगता है चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा बहुत ही रोचक किताब है। इसमें क्या शक है, विभिन्न कलाओं में भी उनकी रुचि थी। अब देखो, संगीत से भी उन्हें बहुत लगाव था। हालांकि
किसी धुन को समझना, गुनगुनाना या बजाना उनके लिए कठिन था, मगर फिर भी वे संगीत का बहुत आनंद लेते थे। कई बार गायन मंडली यानी जो क्वायर होता है ना संगीत का, उन बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें अपने पैसे देके यानी अपनी तरफ से पैसे देके उनसे गाना बजाना भी सुनते थे। अच्छा, और पढ़ने में कैसे थे वो? भाई पढ़ने में तो बहुत मेहनत करते थे, पढ़ाई में कई बार उन्हें मुश्किलें भी आई। अच्छा, यहाँ देखो, ये देखो, ये पेज नंबर 17 में वो कहते हैं, मैं खुद को ही कोसता कि मैंने क्यों मेहनत नहीं की, फिर मैंने जमकर मेहनत की और बेड़ा पार हो गया। लगता है बहुत ही रोचक किताब है ये चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पुस्तक को विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाया गया है और इसमें ऐसी जानकारी दी गई है कि बच्चे उस 200 साल में चले जाएं, उसमें खो जाएं और ये जान लें कि चार्ल्स डार्विन का जीवन क्या था, चार्ल्स डार्विन ने क्या खोजे की, उन्हें क्या मुश्किलें आई, उनकी पढ़ाई कैसी थी, उनका जीवन कैसा था और चार्ल्स डार्विन के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकें। अच्छा, मैं तो इसे जरूर पढ़ूंगी। कहाँ से मिल सकती है ये किताब और कितने की है? ये किताब केवल 50 रुपए की है जो NCERT ने प्रकाशित की है। इसके 133 पृष्ठ हैं और ये प्रथम संस्करण है। इसे पाने के लिए 50 रुपए का ड्राफ्ट इस पते पर भेजकर इस पुस्तक को मंगाया जा सकता है। पता है, अध्यक्ष प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, 110016। इसके अलावा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड बुक फेयर यानी विश्व पुस्तक मेला से भी इस पुस्तक को खरीदा जा सकता है, या बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और गुवाहाटी के NCERT के कार्यालयों से भी इसे खरीदा जा सकता है। दोस्तों, आप भी यदि चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं या कुछ अन्य जानकारी पाना चाहते हैं या पुस्तकों का कैटलॉग प्राप्त करना चाहते हैं तो इस फोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 011-26-56-27-08। फोन नंबर हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, 011-26-56-27-08। साथियों, पढ़ना ना भूलें, पुस्तक चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा। पुस्तक परिचय। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर वसुधा कामत, विषय मार्गदर्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन बटिलेंग लिंगदो, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा आलेख निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।